अंडरग्राउंड रेस्टोरेंट। बदलापुर नाम के गांव में आशीष नाम का एक आदमी रहता था। वो बड़ा रौड़ी था। उनका गैंग के साथ व्यापारियों को धमकी देकर हमेशा पैसे लूटता रहता था। उसके पास एक कुत्ता भी था, उसका नाम था डिनर। आशीष गेंद को फेंकता था तो वो वापस लाने का खेल डिनर को बहुत पसंद था। आशीष कहीं भी जाता था तो उसके साथ डिनर बाजू में ही रहता था। उसी गांव में तिल्लू नाम का एक रौड़ी रहता था। वो और उसके आदमी व्यापारियों से हफ्ता वसूल करते थे। उसका और आशीष का बिल्कुल नहीं जमता था। दोनों गैंग हमेशा मारामारी करते रहते थे। एक बार आशीष ने पुलिस को पैसे देकर तिल्लू के ऊपर गलत केस लगाकर उसको जेल भेज दिया। उसी गांव में बिक्कू नाम का और एक आदमी ढाबा चलाता रहता था। उसकी बीवी और बच्चे भी उसकी मदद करते थे। एक दिन आशीष उधर आया। वहां पर वो और उसके आदमी ने अच्छे से खाना खाया। हाँ, क्या रे बिक्कू, आजकल अच्छे से कमा रहे हो लग रहा है। मैं पैसे मांगता हूँ तो रोते हो। बाहर हर चीज का दाम को देखो कितने बढ़िए हैं। इसलिए अब से 5,000 हफ्ता वसूल ज्यादा भरो, क्या कहते हो? मालिक, ये तो बहुत अन्याय है जी। आपको इतने पैसे दिया तो फिर मैं व्यापार कैसे करूँगा बोलिए। एक बार आपको और एक बार उस तिल्लू को पैसे देने के चक्कर में मेरा जान चला जा रहा है। हमारा मुश्किल समझिए जी। हाँ हाँ, सही बात कह रहे हो यार। ठीक है तो मैं तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊंगा। चलो रे, चलते हैं इधर से। उस रात आशीष के लोग आकर जेसीबी के मदद से ढाबा को टुकड़े टुकड़े कर दिए। सुबह सुबह वो देखकर बिक्कू बहुत दुखी हुआ। हाय राम, अब क्या करेंगे जी? हम अब रोड में आ जाएंगे क्या? नया ढाबा बनाने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है। अब हमें कूली का काम करने के सिवा कोई रास्ता नहीं है। पिताजी, हर चीज के लिए ऐसे घबराना नहीं चाहिए। जीत को हासिल करना हारने से ही शुरू होता है। हम अंडरग्राउंड रेस्टोरेंट बनाएंगे, उसके लिए ज्यादा खर्च नहीं होगा। यहाँ जो बच गए उन टेबल और चेयर को वहाँ इस्तेमाल करेंगे। नया टीम का रेस्टोरेंट है तो बहुत सारे लोग आएंगे पिताजी, मुझे विश्वास कीजिए। भैया जो कह रहे हैं वो सच है पिताजी। ये छोटे बच्चे हैं, इनका बात में ध्यान नहीं देना, ऐसा मत सोचिए पिताजी। तब उनका बात सुनकर भिक्कू ने हाँ कह दिया। फिर वो सब लोग मिलकर दो गड्ढे खोदना शुरू किया। फिर वैसे ही एक अंडरग्राउंड रेस्टोरेंट बनाना शुरू किया। ऊपर गड्ढे के पास अंडरग्राउंड रेस्टोरेंट कहकर बोर्ड में लिखा था। लोग आकर उस गड्ढे में फिसल कर गए तो सीधा जाकर रेस्टोरेंट में पहुंच जाते थे और वहां खाकर खुश हो जाते थे। एक बार आशीष और उसके लोग अंडरग्राउंड रेस्टोरेंट में आए। फिर आशीष ने रेस्टोरेंट को देखकर बहुत बढ़िया बनाया है यार। अरे डरो मत रे, मैं हफ्ता वसूल मांगने के लिए नहीं आया हूँ। तुम्हारा होटल मुझे बहुत पसंद आया है। ये कॉन्सेप्ट तो बहुत बढ़िया है, ये मुझे दे दो। तुम दुखी मत हो ना, बदले में 5,00,000 रुपए दूंगा, क्या कहते हो? ना तो नहीं कहोगे ना? मालिक, आप ऐसे ही छीन लोगे कहकर मुझे पता है, मगर पैसे दोगे कह रहे हो, ये तो बहुत खुशी की बात है मालिक, कहकर उसने दिया हुआ पैसे लेकर चला गया। बाद में आशीष ऊपर होटल परमानेंटली क्लोज्ड कहकर एक बोर्ड लगाया। उनके आदमियों को कुछ समझ में नहीं आकर देखते रह गए। क्या ऐसे देख रहे हो एड़े, समझ में नहीं आ रहा है क्या? अब से ये हमारा अड्डा है रे, हम जो भी कमाएंगे वो सब इधर ही छुपाएंगे। फिर वैसे ही उन लोगों ने जो भी कमाया वो सब उधर छुपाने लगे। एक दिन तिल्लू जेल से रिहाई होकर बाहर आया। फिर अंडरग्राउंड में बैठा हुआ आशीष को फोन लगाया। अरे कमीने, मेरे ऊपर गलत केस लगाकर जेल में भेजोगे? तुम्हें नहीं छोड़ूंगा रे। इसलिए कल तुम्हारे अंडरग्राउंड में एक बॉम्ब रखा था, वो भी एक वॉल में डालकर। वो अभी ठीक 5 मिनट में फट जाएगा रे। ये सब मैं तुम्हें क्यों पहले बता रहा हूँ कहकर तुम्हें शक होगा ना, इसलिए ताकि तुम मरने से पहले टेंशन में आकर मरना चाहिए, तभी मुझे मजा आएगा। इस झटके से तुम और तुम्हारा संपत्ति सब खलास होगा रे। फिर डर के मारे आशीष ने देखा तो उसे वहाँ एक वॉल दिखाई दिया। तुरंत ही उसने उसको लेकर अंडरग्राउंड से जबरदस्ती बाहर फेंका। वो बाहर आकर गिरा। ये है, हमें कुछ नहीं हुआ यार, ये है, हम बच गए हैं, हम बच गए हैं, कहकर डांस करने लगा।
तभी डिनर जाकर उस बॉल को पकड़कर वापस लेकर आया। सब वो देखकर चौंक गए। तभी वो बॉम्ब करके पड़ गया और सबके मुंह काले हो गए।